गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेम्बर्स वो आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल माई सेल्फ डॉक्टर के सी सोनी एसोसिएट प्रोफेसर इन जोलॉजी गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू एफिलिएटेड टू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर इन टूडेज लेक्चर सीरीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आई एम गोइंग टू डिलीवर माई टॉक ऑन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी प्रिय साथियों और विद्यार्थियों बायोटेक्नोलॉजी की आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे हाइब्रिडोमा की फॉर्मेशन होती है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो जिस तरह पिछले व्याख्यान में अपने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का व्याख्यान जैसे आपने देखा होगा, दो अलग अलग पौधों के प्रोटोप्लास्ट का जैसे फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में दो अलग अलग तरह के सेल्स हैं उनका फ्यूजन है पॉसिबल है। और ये जो हाइब्रिड सेल जो बनती है वो हाइब्रिडोमा सेल्स के नाम से जाना जाती है। अब इस टेक्निक के पीछे जो मेन जो साइंटिस्ट हैं जिनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके अंदर दो साइंटिस्ट हैं, एक तो जॉर्ज कोहलर 1975 और इनके एक लेबोरेटरी साइंटिस्ट है कैसल मिलस्टेन, जिन्होंने सबसे पहले इस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की खोज की थी। और इन दोनों साइंटिस्ट को फिर नील्स जर्ने के साथ नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो वर्तमान में बायोटेक्नोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन साइंटिस्ट का। तो इस साइंटिस्ट के नाम आप याद रखें, जॉर्ज कोहलर, कैसल मिलस्टेन, और इसको नोबेल पुरस्कार मिला है नील्स जर्ने के साथ। अब ये हाइब्रिडोमा कैसे बनते हैं, इसका क्या प्रोटोकॉल है, उसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा। अब दो रैट है, सपोज एक रैट ये है, दूसरा रैट ये है या रैबिट है, दोनों ही मैमल्स हैं। अब एक रैट के अंदर क्या पर क्या करेंगे अपन, एंटीजन्स का इंजेक्शन देंगे। और एंटीजन्स आप जानते हो कि बॉडी में जब भी कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो उस एनिमल्स में उस एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनती है। और एंटीबॉडीज यदि नहीं बनती है इट मीन्स वो एंटीजन्स नहीं है, क्योंकि एक बढ़िया जो एंटीजन होता है जिसका अणुभार ज़्यादा होता है उसके अंदर इम्यूनोजेनेसिटी की रिएक्शंस भी पाई जाती है, उसके अंदर रिएक्टिविटी भी पाई जाती है। इम्यूनोजेनेसिटी का अर्थ है कि ये मॉलिक्यूल बॉडी में प्रवेश करने के बाद में एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। रिएक्टिविटी का अर्थ क्या है, जो एंटीबॉडीज इस एंटीजन के प्रवेश करने का बनी है उस एंटीबॉडी के साथ वो रिएक्शंस भी करते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल्स में ये दोनों गुण पाए जाते हैं उनको कंप्लीट एंटीजन्स के नाम से जाना जाता है। अब वर्तमान में जैसे कोरोना की वैक्सीन्स हैं वो लगेगी, इंडिया में एक वैक्सीन है वो उसका इम्पोर्ट है वो चालू हो गया है, अपने चूरू में भी भर्ती हॉस्पिटल में वैक्सीन सेंटर हो बन चुका है। अब इन वैक्सीन्स में कोरोना वायरस का जो मैसेंजर आरएनए है उसको निष्क्रिय करके उस एमआरएनए का इंजेक्शन आदमी के अंदर लगाया जाएगा। अब ये एमआरएनए अपनी बॉडी में प्रवेश करने के बाद में ये एंटीजन के रूप में यदि काम करेगा तो अपने शरीर में एंटीबॉडीज बनेगी। इस एमआरएनए की जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज अपने ब्लड में बनेगी। यदि एंटीबॉडीज नहीं बनती है इसका मतलब ये वैक्सीन है वो फ्लॉप हो गई है, वैक्सीन है वो काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक चूहे के अंदर एक एंटीजन्स का इंजेक्शंस देंगे, और एंटीजन का इंजेक्शन देंगे तो इस चूहे के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शंस होता है, क्योंकि इसके लीवर के अंदर इसकी बोन मेरो के अंदर कोशिकाओं में एंटीबॉडीज का उत्पादन है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में इन एंटीजन उत्पन्न करने वाली इन कोशिकाओं को सेपरेट कर लेते हैं, आइसोलेट करते हैं। जैसे ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल है इसको आपने सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद में इन कोशिकाओं को कल्चर मीडियम में संवर्धन करते हैं, कल्चर मीडियम में संवर्धन करते हैं। और कल्चर मीडियम में ये जो कोशिकाएं हैं ये HGPRT पॉजिटिव होती है, दी सेल्स आर HGPRT पॉजिटिव। अब दूसरी तरफ दूसरा जो चूहा है इस चूहे के अंदर कार्सिनोजन का इंजेक्शन दिया है। कार्सिनोजन ऐसे केमिकल हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो शरीर में प्रवेश करने के बाद में इस चूहे के अंदर कैंसर प्रोड्यूस करेंगे। तो इधर तो आप एंटीजन का इंजेक्शन दे रहे हो, इधर चूहे में आप कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले केमिकल का इंजेक्शन दे रहे हो। अब इस कार्सिनोजन का रिजल्ट क्या होगा, इस
चूहे के लीवर के अंदर, इसके स्प्लिन के अंदर कैंसर है, वो डेवलप हो जाता है। अब कैंसर जब डेवलप हो जाता है, कैंसर की सेल है वो अपने आप में एक तरह की एम्ब्रियोनिक सेल्स की तरह ट्रीट करती है। कैंसर सेल में डिवीजन बहुत फास्ट है, जिस तरह एक बैक्टीरिया आधा घंटे में डिवाइड हो जाता है, उसी तरह कैंसर सेल भी बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होती है। अदरवाइज तो क्या, एक नॉर्मल सेल मान लीजिए दो दिन से डिवाइड हो रही है, तीन दिन से डिवाइड हो रही है, लेकिन कैंसर सेल है वो तो हर आधा घंटे में डिवाइड होती है। लेकिन ये जो कैंसर की जो सेल है ये एंटीबॉडीज़ बनाने में कैपेबल नहीं है, और इधर ये जो सेल है ये एंटीबॉडी बनाने में तो कैपेबल है, लेकिन इसमें डिवीजन धीरे हो रहा है, ये सेल धीरे डिवाइड हो रही है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में कैपेबल है बट दे आर स्लो डिवाइडर, ये धीमे डिवाइड होगी, और ये जो सेल है ये बहुत तेज़ी से डिवाइड होती है, लेकिन एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करने में ये कैपेबल नहीं है। अब इन दोनों सेल्स को यदि मिक्स करते हैं, किनको, एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करने वाली कोशिका और तेज़ी से विभाजित होने वाली कोशिका, इन दोनों सेल को यदि मिक्स कर दें तो इनके मिक्सर से जो हाइब्रिड सेल जो बनेगी वो हाइब्रिड सेल्स क्या कहलाती है, हाइब्रिडोमा। अब ये जो हाइब्रिडोमा जो सेल्स बनी, अभी सेल में इन दोनों चूहों के प्रॉपर्टीज आ गई। इस हाइब्रिडोमा सेल्स में एंटीबॉडीज़ को उत्पादन करने की कैपेसिटी भी है और इसमें रैपिडली मल्टीप्लाई होने की भी कैपेसिटी है। अब इन दोनों सेल्स का जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये PEG माध्यम के द्वारा प्रेरित होता है। पिछले व्याख्यान में प्रोटोब्लास्ट फ्यूजन के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि पॉलीथाइलिन जो ग्लाइकोल है ये बहुत बढ़िया फ्यूजन एजेंट है, इसमें दो कोशिकाओं का फ्यूजन है वो प्रेरित होता है, एक तरह से फ्यूसोजन का कार्य कर रही है। तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोन की प्रेजेंस में इन दोनों सेल्स का फ्यूजन हो जाएगा और फ्यूजन से ये जो सेल्स बनती है ये सेल कहलाती है हाइब्रिडोमा सेल या हाइब्रिड सेल। अभी इससे हाइब्रिडोमा सेल्स को हैट मीडियम के अंदर इसको कल्चर करेंगे। यहाँ पर हैट का अर्थ क्या है, एस फॉर हाइपोजेंथाइन, ए फॉर एमिनोटेरिन, टी फॉर थाइमिडिन। तो ये तीन मॉलिक्यूल है, विशेष मॉलिक्यूल है, इस कल्चर मीडियम में इस कोशिकाओं को आप संवर्धित करते हो। अब इस एमिनोटेरिन का रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर ये जो एमिनोटेरिन है ये क्या करता है, इसके अंदर म्यूटेशंस प्रोड्यूस करता है इन कोशिकाओं में। तो म्यूटेशन प्रेरित होने के कारण इसमें न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण का जो पाथवे होता है वो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और इसके ब्लॉक होने से ये जो कोशिकाएँ होती है किसी दूसरे पथ पे डिपेंड करती है। भाई न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का एक बायोकेमिकल रिएक्शन जब ब्लॉक हो गया तो ये सेल या तो इनकी डेथ हो जाएगी, और यदि सेल सर्वाइव करती है इसका मतलब ये दूसरे अल्टरनेट पाथवे पे ये डिपेंड करेगी। तो कई बार आपने देखा होगा दो गांव बीच में जो हाईवे है या सड़क है मान लीजिए, वो सड़क किसी भी कारण से ब्लॉक हो गई, टूट गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों गाँव के बीच में ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा है, उस केस में व्हीकल क्या होते हैं, दूसरे रास्ते से आना स्टार्ट कर देंगे, बाईपास जिसको बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर वही परिघटना इस सेल्स में होती है। तो इस एमिनोटेरिन की वजह से इसमें न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का ब्लॉक हो जाएगा पाथवे, तो ये सेल किसी दूसरे पथ के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन इस पाथवे में HGPRT की आवश्यकता होती है। अब ये जो सेल है, जिस सेल में कैंसर डेवलप हुआ है, इसके अंदर HGPRT नहीं होता है, दिस इज HGPRT नेगेटिव, और जो सेल एंटीबॉडीज बना रही है दिस सेल इज HGPRT पॉजिटिव। अब दिस पाथवे नीड्स HGPRT, और HGPRT एब्सेंट है इस माइलोमा सेल्स में। इन प्रेजेंस ऑफ हैट मीडियम ये जो हाइब्रिडोमा सेल होती है इसके अंदर क्या होता है, HGPRT उस रेड कलर वाली सेल्स का इसके अंदर जीन है, और ट्यूमर वाली जो सेल है इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी है, और परिणाम क्या होगा, ये जो सेल होती है हाइब्रिडोमा सेल होती है ये एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करने लग जाती है और तेज़ी से डिवाइड भी होती है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का मकसद क्या है, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए बहुत कम समय में चाहिए है। अब ये थोड़ी है कि इंसुलिन हार्मोन दो महीने में बनने लग जाए, तो ऐसी टेक्नोलॉजी कोई मतलब की नहीं है। इंसुलिन हार्मोन एक घंटे में बनना चाहिए है, एक दिन में पूरा 200 लीटर का ड्रम है वो इंसुलिन से भर जाए, तो उस तरह की टेक्नोलॉजी है ये। और इस सेल्स की फिर बाद में क्या होता है, स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग के भी प्रोटोकॉल है, और स्क्रीनिंग बाद में इसे फिर NAB
यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शंस होता है। तो जनरली यहाँ तो एंटीबॉडीज़ बनती है, अपने शरीर में भी एंटीबॉडीज़ बनती है, क्योंकि हज़ारों तरह के माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर करते रहते हैं, डस्ट पार्टिकल एंटर करते रहते हैं, पॉल्यूटेड गैसेज हैं वो आपकी बॉडी में एंटर करती रहती है, एंथर्स एंटर करते हैं, पोलन एंटर्स करते हैं, और अपने शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो पॉलीक्लोनल टाइप की होती है, प्योर नहीं है, मोनोक्लोनल नहीं है, पॉलीक्लोनल टाइप की है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो 100% प्योर होगी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई साइड रिएक्शंस नहीं होती है, और पर्टिकुलर एंटीजन्स को वो न्यूट्रलाइज कर देती है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? तो ये जो ब्रांच है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बहुत ही डाइवर्स टाइप की ब्रांच है, और ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें इसकी एप्लीकेशंस नहीं हो। तो समरी के रूप में मेन मेन हेडिंग के रूप में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्स, अब अलग अलग कोशिकाओं की पहचान करनी हो उससे आइडेंटिफिकेशन में एन एंटीबॉडीज़ का यूज होता है, हाइब्रिडोमा का यूज होता है। हैं सपोज ब्लड में मान लीजिए हैं अपने ब्लड में 100 तरह की कोशिकाएं हैं कम से कम, आपके ब्लड में एरिथ्रोसाइट्स भी है, ल्यूकोसाइट्स भी है, थ्रोम्बोसाइट्स भी है, ल्यूकोसाइट में भी ग्रेन्युलोसाइट है, एग्रेन्युलोसाइट है, हैं इसमें भी एसिडोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल्स हैं, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट भी सैकड़ों तरह की है, T1 टाइप, T2 टाइप, T3 टाइप, T4 टाइप। अब आपको मान लीजिए पर्टिकुलर T4 लिम्फोसाइट ही चाहिए, अब ये तो नहीं कि ब्लड के अंदर आप एक एक सेल्स को आप सेपरेट करो, पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस टेक्निक के द्वारा आपको पर्टिकुलर जो भी सेल्स चाहिए, क्योंकि जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च करते हैं, पर्टिकुलर सेल पर रिसर्च करते हैं, उन सेल को शॉर्ट करने में, सेल को छांटने में, सेल को पृथक करने में इस टेक्निक का यूज होता है। तो प्रत्येक इंडिविजुअल सेल जो होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान इस टेक्निक के द्वारा अपन कर सकते हैं। वैक्सीन प्रोडक्शंस में इस टेक्निक का यूज होता है, और वैक्सीन प्रोडक्शंस में सीधा सा वही मकसद है, क्योंकि इसमें एटीन्यूएटेड एंटीजन्स जो होते हैं वो जनरली प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स बनी है वो वैक्सीन इसी टेक्नोलॉजी से बनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, हर सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन्स की बनी है। एक सेल में 70% लिपिड होते हैं, 25% प्रोटीन होते हैं, लेकिन हर सेल में प्रोटीन की जो नेचर है वो अलग अलग तरह की है। ये प्रोटीन एक्सटर्नल टाइप के भी हैं, इंटरनल टाइप के भी हैं, इंटरनल जो प्रोटीन है वो सिस टाइप के भी हैं, ट्रांस टाइप के भी हैं, और ये जो सस्पेंडेड जो प्रोटीन होते हैं ये अलग अलग सेल्स की करेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये एंटीजन्स का भी काम करते हैं, एंटीजन रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं, एंटीबॉडी रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं। तो ये प्रत्येक प्लाज्मा झिल्ली का जो निर्धारण है, स्पीसीज स्पेसिफिक जो डिटर्मिनेशन है वो इस टेक्निक के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा ये एंजाइम के रूप में भी काम करती है, एंजाइम, यहाँ पर ये टर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं, डिफाइन एंजाइम, यानी ऐसी एंटीबॉडीज जो एंजाइम का काम करती है। जनरली तो क्या होते हैं एंजाइम है वो प्रोटीन्स नेचर के हैं, और यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है वो भी जनरली प्रोटीनेशियस है, लेकिन एंटीबॉडीज का पर्टिकुलर हिस्सा, पर्टिकुलर एरिया जो होती है वो कई बार एंजाइम के रूप में काम करती है, और किसी सबस्ट्रेट के साथ, किसी एंटीजन्स के साथ, किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ है वो रिएक्शंस कर सकती है। तो ऐसी एंटीबॉडीज जो एंजाइम के रूप में ट्रीट करती है, एंजाइम के रूप में व्यवहार करती है, उन एंटीबॉडीज़ को एंजाइम के नाम से जाना जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम के शुद्धिकरण में, प्योरिफिकेशंस में इसका यूज है, क्योंकि आजकल बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग एंजाइम्स की भी एप्लीकेशंस हैं, तो आपको डीएनए रेप्लिकेशन करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसलेशन करना है, हर स्टेज पे कोई ना कोई एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इन एंजाइमों का जो शुद्धिकरण जो होता है, प्योरिफिकेशन जो होता है, वो प्योरिफिकेशन इस तकनीकी के द्वारा संभव है। रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट है, कई बार जैसे देखा होगा मान ली महिलाओं में, सपोज कोई महिला सपोज प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, मान लो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, तो इसको ऐसी एंटीबॉडीज उसको देंगे सप्लीमेंट के रूप में
कि वो एंटीबॉडीज गर्भाशय की जो सेल है, गर्भाशय की विलाई है, उस विलाई के ऊपर वो जाके जुट जाती है। अब एम्ब्रियो के जुड़ने की जो साइट जो थी जहाँ पर एम्ब्रियो जुड़ता, वो साइट तो क्या है, इन एंटीबॉडीज के द्वारा ब्लॉक होगी, अवरुद्ध होगी। अब वो एंटीबॉडीज जब ब्लॉक होगी तो फर्टिलाइज जो जाइगोट होता है वो जाइगोट गर्भाशय की भित्ति के साथ अटैच नहीं हो पाता है, तो परिणाम क्या होगा, एम्ब्रियो का रिजेक्शन हो जाता है। तो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है, गर्भधारण होता है, उससे बचा जा सकता है। तो आजकल प्रेगनेंसी को रोकने में भी इस टेक्निक का यूज होता है। कई बार टिश्यू का प्रत्यारोपण है वो रिजेक्ट हो जाता है। कई बार देखो आपने किडनी ट्रांसप्लांट करी और किडनी फेल हो गई, लीवर का प्रत्यारोपण किया, लीवर का टुकड़ा जुड़ा ही नहीं। तो ग्राफ्टिंग पॉसिबल हो उसको रिजेक्ट करने में भी इन टेक्निक का यूज हो सकता है। कैंसर थेरेपी में इसका बहुत ज़बरदस्त यूज है, क्योंकि पर्टिकुलर सेल है, कैंसर सेल है, तो उसकी सेल साइकिल अपने हिसाब से ही गवर्न होती है, क्योंकि हर सेल डिवाइड होती है। कैंसर है वो भी एक तरह का माइटोसिस ही है, लेकिन वो रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। और कैंसर में क्या होगा, इंटरफेज स्टेज बहुत छोटी होगी। नॉर्मली तो सेल डिवाइड हो रही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद इंटरफेज। और इंटरफेज में भी तीन स्टेज होती है, जी1 स्टेज, एस स्टेज, जी2 स्टेज। कैंसर सेल जो होती है उसके अंदर इंटरफेज प्रावस्था बहुत छोटी है। नॉर्मल सेल में जो माइटोसिस हो रहा है उसमें इंटरफेज का ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में इस टेक्निक का यूज होता है। इसके अलावा डायग्नोसिस में अलग अलग आजकल जो पैथोलॉजिक लैब है उसमें ब्लड ग्रुप की जैसे जाँच कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की जाँच कर रहे हैं, विडोल टेस्ट कर रहे हैं, टाइफॉइड की जाँच कर रहे हैं, RT-PCR कर रहे हैं, कोरोनरी टेस्टिंग। तो हर टेस्टिंग में इन एंटीबॉडीज का यूज होता है। अब लेबोरेटरी में आप ब्लड ग्रुप जैसे अपन चेक करते हैं, तो ब्लड ग्रुप में आपने देखा होगा एक स्लाइड के ऊपर, जैसे ब्लड की तीन ड्रॉप ली, एक ड्रॉप में आपने एंटी सीरम ए डाला, एक में एंटी सीरम बी डाला, एक में एंटी सीरम डी डाला। अब एंटी सीरम है ये क्या है, एक्चुअल में एंटीबॉडीज है। अब मान लो जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी RBC की प्लाज्मा झिल्ली में एंटीजन ए है, और वो एंटीबॉडी ए से रिएक्शन करेगी तो उस ब्लड ड्रॉप के अंदर क्लंपिंग हो जाती है, एक तरह से जाल बन जाता है, लेटेस बन जाता है। तो ब्लड ग्रुप की जो टेस्टिंग है लेबोरेटरी में वो इन्हीं एंटीबॉडीज के कारण संभव हो पाई है। प्रेगनेंसी टेस्ट है, जैसे प्रेगा ये आजकल एक वो चिप आती है अगार अगार की, तो उसमें क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है उसके यूरिन की जैसे 2-3 ड्रॉप डालेंगे, और ये यूरिन की ड्रॉप इस अगार पाउडर के ऊपर ट्रांसमिट होती है आगे। अब ट्रांसमिट होती है उस अगार के ऊपर एंटीबॉडीज का लेप लगा हुआ है, HCG का। तो HCG हार्मोन जब इस एंटीबॉडी के लेप से रिएक्शंस करेगा तो इस जो ये जो वेलोसेप जो चिप है इसके ऊपर आपको लाल रंग के बैंड है वो बने दिखाई देंगे। एक बैंड है इसका मतलब प्रेगनेंसी की संभावना हो सकती है, 2 बैंड है इसका मतलब लेडीज है वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसके अंदर प्लेसेंटा बन गया है, 3 बैंड बन रहे हैं इसका मतलब एडवांस स्टेज का एम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप हो रहा है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में भी इसका यूज होता है, एड्स के परीक्षण में भी इसका यूज होता है। कोई आदमी वाली HIV पॉजिटिव हो गया, एड्स के करेक्टर उसमें डेवलप हो गए, तो इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज होता है, क्योंकि इसमें जो एलाइजा टेस्ट होता है, साउथर्न ब्लॉटिंग होती है, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग होती है, ईस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, PCR टेक्निक है, उन सब में इन एंजाइम का यूज होता है। टैक्सोनॉमी में इसका यूज है, क्योंकि पुरानी जो टैक्सोनॉमी थी उसमें तो क्या करते थे कि हर एनिमल की सकल सूरत मिलाते थे, बाह्य लक्षण मिलाते थे, लेकिन आजकल मॉलिकुलर लेवल पे DNA बेस्ड आजकल जो है टैक्सोनॉमी आ गई है। और इस टैक्सोनॉमी में एनिमल्स को स्पीशीज लेवल तक आइडेंटिफिकेशन में, जीनोम लेवल तक आजकल एक जाति की पहचान हो पाती है, और उस टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन में, डिटेक्शंस में इन एंटीबॉडीज का यूज होता है। इसके अलावा लिम्फोकाइन का सिक्रेशंस, तो बॉडी में कई सेल है, माइलोमा सेल जो होती है वो लिम्फोकाइन स्रावित करती है। कुछ लिम्फोकाइन यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे CSF, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब ये जो लिम्फोकाइन है ये मोनोसाइट कोशिकाओं की ग्रोथ को प्रेरित करता है। इसी तरह MAF, मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की दर को बढ़ाता है। VPF, ये क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स की जो पारगम्यता होती है, रक्तवाहिनी की जो परमेबिलिटी है,
वैस्कुलर परमिबिलिटी फैक्टर, ये रक्तवाहिनियों की पारगम्यता को बढ़ाता है, परमिबिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा SRF, अब SRF जो है ये स्किन रिएक्टिव फैक्टर है, और त्वचा के अंदर इन्फ्लेमेशन जो शोथ जो होता है, इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया को ये बढ़ाता है। इसके अलावा MF जो कारक होता है, ये मैक्रोफेज फैक्टर है एक तरह का, और मैक्रोफेज कोशिकाएं जो होती है, लिम्फोसाइट्स जो होती है उसके एक्टिवेशन को ये प्रेरित करता है। MIF ये मैक्रोफेज इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं, और मोटिलिटी को ये अवमंदित करता है, मोटिलिटी को। MCF ये जो फैक्टर है ये मैक्रोफेज कीमोस्टेटिक फैक्टर, और ये कारक मैक्रोफेज को एकत्रित होने की जो घटना एक्यूमुलेशंस की उसको ये स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा LT जो है ये लिम्फोटॉक्सिन फैक्टर है, और इसका मेन जो मकसद होता है वो कोशिकाओं के लाइसिस को इंड्यूस करना, सेल लाइसिस। तो कोशिकाएं फटती है तो उससे लाइटिक एंजाइम है वो सिक्रीट होते हैं, सेल के प्रोडक्ट का डाइजेशन होता है। तो ये एक बहुत ही संक्षेप में, एक बहुत ही समरी के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में ये व्याख्यान मेन हेडिंग को टच करते हुए, और ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में हर साल आता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में हैं इसको पूछते हैं, हाइब्रिडोमा क्या है, हाइब्रिडोमा की खोज किसने की, हाइब्रिडोमा को कैसे डेवलप करेंगे, हाइब्रिडोमा की एप्लीकेशंस क्या है, लिम्फोकाइंस क्या होते हैं, CSF का फुल फॉर्म लिखो। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूनिवर्सिटी की मेन जो एग्जाम होती है उसके अंदर ये पूछे जाते हैं। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोडक्शंस, और इसका मेन मकसद है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का उत्पादन है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की यही एप्लीकेशंस हैं, कोशिकाओं की पहचान में इसका यूज है, वैक्सीन प्रोडक्शंस में इसका यूज है, प्लाज्मा झिल्ली के निर्धारण में इसका यूज है, कुछ एंटीबॉडीज एंजाइम का भी काम करती है जिनको एंजाइम बोलते हैं, एंजाइम के शुद्धिकरण में इसका यूज है, ग्राफ्ट के रिजेक्शंस में इसका यूज है, कैंसर के उपचार में इसका यूज है, डायग्नोसिस में इसका यूज है, टैक्सोनॉमी इसका यूज है, और ये जो सेल होती है सैकड़ों तरह के लिम्फोकाइंस का सिक्रीशन करती है, और हर लिम्फोकाइन का अपना अपना फंक्शंस होता है। तो ये समरी के रूप में आज का अपना व्याख्यान, हाइब्रिडोमा एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।